Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Beauty Drugs. क्रेजी वुमेन एक वेबसाइट है जिससे मैंने एक नेकलेस ऑर्डर किया था और उसका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह से रहा और वो नेकलेस की क्वालिटी कैसी थी. मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को लाजमी क्लिक कर लें ताकि फ्यूचर में आपको हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे. पर्सनली तौर पर मुझे ज्वेलरी बहुत ज़्यादा पसंद है और जहाँ भी कोई मुझे यूनिक ज्वेलरी आर्टिकल नज़र आता है तो मैं लाजमी बाय कर लेती हूँ. क्रेजी वुमेन पे ज्वेलरी काफ़ी अच्छी है. मुझे पर्सनली तौर पर जो है वो रिंग्स और नेकलेस काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट भी करते हैं. तो ये नेकलेस जो है वो इवल आई नेकलेस था. हावर मैं इन चीज़ों पर यकीन नहीं करती लेकिन इसका जो डिज़ाइन था वो थोड़ा सा हटके था तो मैंने सोचा क्यों ना इसको बाय कर लिया जाए. सो मैंने सिर्फ टेस्ट बेस पे एक नेकलेस बाय किया था जिसके लिए मैंने टोटल 669 रुपीज़ पे किए कैश ऑन डिलीवरी पर. ऑर्डर प्लेस करने के 7 डेज़ के बाद मुझे जो मेरा नेकलेस रिसीव हुआ. हावर जो कस्टमर सर्विस इतनी अच्छी नहीं है, पार्सल डिलीवर होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है. मे बी डिपेंड भी करता है कि आप किस सिटी में रहते हो और आजकल वैसे भी लॉकडाउन था तो शायद उसकी वजह से भी ये डिले हो सकता है. आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट. और ये नेकलेस ना काफ़ी अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ आया था. एक टाइनी बॉक्स था, उसके इनसाइड जो है वो एक ट्रांसपेरेंट एनवेलप में जो इसको बंद किया गया था. अगर आप ज्वेलरी लवर हो ना और आपको जो है मल्टी लेयर या फिर सिंगल लेयर नेकलेसेस पसंद है तो आप क्रेजी वुमेन की जो वेबसाइट है उसको चेकआउट कर सकते हैं. उनके इंस्टाग्राम पेजेस पे वक्तन फवक्तन जो है ऑफर्स जो है वो लगती रहती हैं, सेल्स अपडेट अलर्ट्स आते रहते हैं तो आप उसको विजिट कर सकते हो. आर्टिफिशियल ज्वेलरी आप जब भी बाय करते हो तो आपको ये डर होता है कि अगर गोल्डन आप या फिर रोज़ गोल्ड ले रहे हो तो कलर फेंट ना हो जाए. सो मैंने जब ये नेकलेस बाय किया था तो मैंने पहले पूछा था कि इसका कलर तो फेंट नहीं होगा, तो उन्होंने कहा था कलर इसका ख़राब नहीं होगा. अभी मैंने इसको 4 डेज़ भी यूज़ नहीं किया और इसकी जो चेन है लाइक उसका कलर जो है डिफरेंट जगहों से जो है ब्लैक होना स्टार्ट हो गया. हावर शावर लेते वक्त वजू करते वक्त मैं इसको उतार देती थी, सिर्फ डे टाइम में मैं इसको वेयर करती थी या जब मुझे बाहर जाना होता था, अदरवाइज़ मैं इसको वेयर नहीं करती थी. और बहुत ज़्यादा एहतियात के बावजूद जो है वो गोल्डन चेन जो है वो ब्लैक होना स्टार्ट हो गई. आर्टिकल बहुत यूनिक सा था. आपको एवल आई कलेक्शन बहुत कम वेबसाइट्स पर नज़र आती है. सो क्रेजी वुमेन वेबसाइट पे आप चेकआउट कर सकते हो कि एवल आई की काफ़ी ज़्यादा ह्यूज कलेक्शन है. आप मल्टी लेयर सिंगल लेयर नेकलेसेस इयर रिंग्स और रिंग्स बाय कर सकते हो. सो ये आप देख सकते हो कि चेन डिफरेंट जगहों से जो है वो काली होना स्टार्ट हो गई है. 669 रुपीज़ मैंने इस चेन के लिए जो है पे किए हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ है कि एटलीस्ट जो है वो कंपनीज़ जो भी हैं या फिर इस तरह के पेजेस हैं वेबसाइट्स हैं उनको कस्टमर सर्विस को सही कन्वे करना चाहिए कि आपका जो आर्टिकल है इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा. सो मेक श्योर कि आप जब भी इस तरह की ज्वेलरी बाय करते हो तो देख लें. गोल्डन में बाय ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, सिल्वर में बाय करें तो ये चेन मेरी ख़राब होगी, मेरे लिए बिल्कुल यूज़लेस है. होप्स हो कि वीडियो पसंद आई हो. वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा. ओके बाय, अल्लाह हाफिज़. But I know all my worth is more than you're giving. What goes up, comes back down. What goes out, comes around. You're so dumb or reckless. You already read this. What goes up, comes back down. And your day will come around. And I don't wanna fix this. You already read this. For God.